मैंने भी 25 साल का बिल्ला लगाया, दिख रहा है इधर? हाँ। तो मुझे भी ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ ना बात कर रहे हो मेरे से कि 25 साल बाद आप मिलने आए हो इधर। उस समय मैं 21 मई को यहाँ पे आया था और मैं दार्चिक रुका था आके, और वहाँ से दा हेलीपैड से मैं ऊपर गया था और मुझे जो काम मिला था, टास्क मिला था फौजी तौर पे कि आपको जुब्बर को कैप्चर करना है, जुब्बर के अंदर पूरे पाकिस्तानी ने ऑक्यूपाई कर रखा था। तो मैं वहाँ से ऊपर चढ़ा, बेंजो पोस्ट के ऊपर हमारे जवान गए थे, फिर पिंपल था 0.4268 जुट्टी खोबरारो ये इलाका हमने अख्तियार किया। उसके बाद हमने जुब्बर के ऊपर अटैक किया। पहला अटैक हमने 27 मई को किया था, वो अटैक दो दिन चला 27-28 को, फिर 29 को सुबह वो अटैक ख़त्म हुआ जब हमने 4268 पे, जहां मेजर सरवन साहब ने और उसके साथ तीन जवान और थे, गणेश प्रसाद और एसएसपी गुप्ता और एक अरविंद कुमार पांडे, ये तीन लोगों ने भी अपनी कुर्बानी दी उसके ऊपर। फिर उसके बाद हमें पता लगा कि पाकिस्तानी ज़्यादा तादाद में हैं, तो आर्टिलरी सपोर्ट बिल्टअप होने में समय लगा, तकरीबन एक महीना लग गया, क्योंकि पहले हमने दराज वाला इलाका जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उसको क्लियर किया, और उसके बाद जब आर्टिलरी इधर बिल्डअप हुई तो 29-30 जून को हमने फिर अटैक किया। फिर जुब्बर का एक आगे वाला हिस्सा हमने कब्ज़ा किया, फिर हम आगे बढ़े, फिर 6 और 7 जुलाई को हमने पूरे जुब्बर को कैप्चर किया। उसके बाद आगे एक 0.4927 ने उसको कैप्चर किया, काला पत्थर, फिर थारू को कैप्चर किया। 9 तारीख को पूरा इलाका हमने कब्जा करके पाकिस्तानियों को पीछे दिया। आज मैं देख रहा हूँ 25 साल के बाद इधर आया हूँ तो पूरा माहौल बदला हुआ है। उस टाइम तो हम पैदल चलते थे रोड के बाद, पूरे का पूरा पैदल, कोई रास्ता भी नहीं था, फुट ट्रैक भी नहीं होता था। अभी तो रोड बन गई हैं, सहूलियत भी बहुत हो गई है, हमारे रहने के लिए भी कुछ नहीं था, हम ऐसे पत्थरों के बीच में पड़े रहते थे। जवानों के पास खाने पीने के लिए भी इतना साधन नहीं था, खाना नीचे से बन के आता था रोड हेड से, लोग पीठ पे लाद के आते थे। मैं खास तौर पे ये जो आर्यन गांव है इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लड़ाई के टाइम में इन लोगों ने हमारी बहुत मदद की, कि पूरे पोर्टर का काम करने वॉलंटियर, ये कहते हमको साफ पैसा नहीं चाहिए, ये सारे लोग अपने पोर्टर भी पोनी लगाते थे, खुद भी इस पूरे मेहनत करके ऊपर तक आते थे। और जो हमारे जवान अटैक में जाते थे वो आपके दलाई लामा के पीला चावल उनको देते थे शगुन की आपकी रक्षा होगी, और हमें बहुत अच्छा लगता था। तो आज मुझे आप सब लोगों से मिलके भी बहुत खुशी है, और आज मैं देख रहा हूँ ये वार मेमोरियल इधर बना है घनाशोक के अंदर। ये लड़ाई के बाद हमारा बटालियन हेडक्वार्टर था और हमने इसी इलाके को बाद में ऑक्यूपाई किया था। 2 साल पलटन इधर रही थी, मैं कमांड ख़त्म करके 2000 में निकल गया था। उसके बाद बिजॉय मुखर्जी साहब यहाँ पे आए थे, और ये इलाके में सिर्फ एक हेलीपैड था, और ये बाद में बना है, ये जो मेमोरियल है ना बहुत अच्छा बना है। और मुझे खुशी है कि जितने भी लोगों ने बलिदानी की उन सब की फ़ोटो इधर लगी हुई है।